क्यों नहीं? वादा करो कि तुम मेरे साथ मरकर दम तक नहीं छोड़ो। मैं वादा करती जुबान देती हूँ, कसम खाती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। वादा वादा करती हूँ। तब तो भारत भी तुमसे वादा करता है कि चाहे भी सारा जमाना दोनों एक तरफ हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। शक कहते हैं हो जाए।
जय मां भवानी। Thank you.
अच्छे कुर्सी भी आके बैठ गया, ठहाके लगा रहा है। हाँ भाई, पर वर्दी पहन कर आया है ना, वर्दी का रुतबा अपने बाप को दिखाने आया है। अरे परोसिन जा गए बाजार कैसे बजी, क्या महत वहाँ बाजा, हम उदय बजाते हैं। है सोचे थे चल कुर्सी पर से बोल, मैंने कहा कुर्सी पर से वोट, तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे, तुम भोसड़ी से उठोगे। बाप तो बाप को अपने चारों तरफ से
और अगर तू मेरी बात न मानी तो तेरी ये शिकायत ऐसी मेरी भलाई इसी में है तेरी, जो मुस्कुराकर हंसते हुए दौड़ कर मेरे सीने से लग गया। नहीं करेगी तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर मेरी बात पे तूने हार नहीं किया और ये गोरी गोरी चमड़ी है ना, उसको काली कर दूंगा। Bye.
के बाद तुम इस मासूम लड़की को बाइज्जत यहाँ से जाने दोगे, इस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करोगे और चलाओ सीने पर बैठो ऊपर बने। वाह, अरे बड़ी बहादुर बात है, क्योंकि मरने का चरस असर नहीं है, सीना तान कर खड़ा है गोलियां खाने के लिए। सवाल बचे, मैं तुम्हारे हिम्मत निकाल देता हूं, मैं कदर करता हूं कदर, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, आगे जिस लड़की के लिए गोली खाने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए हो, मरने के लिए तैयार हो गए हो, उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है इस लड़की से तुम्हारा? रिश्ता आजाद सिंह है रिश्ता, इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। हाँ हाँ, ये लड़की फर्ज के रिश्ते से हमारी बहन है, बहन। वाह बच्चे वाह, तुम्हारी तो जितनी सराहना जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम, क्योंकि सगी बहन नहीं है लेकिन फिर भी मरने के लिए तैयार है। वाह बच्चे वाह, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि एक बात जानना चाहता हूं, तुम्हारा शुभ नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो, किसके बेटे हो, अपना परिचय बताइए। परिचय जानना चाहते हो? जी हाँ। गौर से सुनो, भारत नाम है मेरा, भारत, भारत। आरावली पहाड़ी के निकट मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में हम दो प्राणी हैं, दो। कौन कौन? मैं और मेरी माँ, दो के सिवा तीसरा कोई नहीं। और पिताजी कहाँ हैं? पिताजी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? अभी तुम्हारे पिताजी भी कौन है, कहाँ है पिताजी? हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी आजाद सिंह, मत पूछो पिताजी के बारे में, मत पूछो पिताजी के बारे में, क्योंकि मैं इतना भागा हूँ, इतना बदनसीब हूँ कि बचपन से लेकर आज तक हमें पिता का प्यार ही नहीं मिला। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अपनी नजरों से अपने पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा जा सका। बच्चे तुमने अपने पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा, प्यार के पिता के प्यार से वंचित हो गए बच्चे, आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर कर देता हूं। देखो, मैं तुम्हारा सगा पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी आज के बाद बेटा को आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, तुम्हें धर्म का बेटा मानता है, और दुनिया की वो खुशियां ला करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा जो एक बाप अपने सगे के बेटे को कर देता है। अब ऐसा है, मैं चलता हूं, थोड़ा आराम करूंगा। और हां, इस लड़की को तुमने बहन माना है और इस रिश्ते को कायम रखना, अगर भविष्य में कभी कोई गलती किया तो मां भवानी की सौगंध है, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की को देखकर इतने भी तरस आता है, आज के बाद जिस तरह ये लड़का मेरा धर्म का बेटा है उसी तरह तुम भी मेरी धर्म की बेटी हो। कि तुझ पर किसी प्रकार की परेशानी आने से पहले उस मुसीबत से
भैया आपकी बहन को कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ। अरे मोहब्बत करते हैं तुमसे भाई, क्योंकि
आशीर्वाद की आकांक्षा, आपने मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाया,
और भारत को आपने अपना धर्म का भेजा, वो भारत जो हमें भाटी के रिश्ते से अपनी बहन मानता है, लेकिन आज वही भारत भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तोड़कर मेरी असमत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। आप भारत को सख्त से सख्त सजा दें, आपकी धर्म की बेटी रचना। हे भगवान, ये सब क्या लिखा है इसमें, जबकि मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो ठीक, ये कागज का टुकड़ा और इस पर लिखे हुए झूठे शब्द, देखिए उन पर विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि आपकी नजरों में हमें गिर जाना पड़े। निर्दोष नहीं हो तुम, निर्दोष ही हो, धोखा दिया है मुझे। करवा के दिल की सलाह हो गई।